वो बहुत समाज सेविका हैं, बहुत उनके हस्बैंड भी बहुत दिन से समाज सेवी हैं। हाँ, बहुत दिन से, बहुत जमीन से, हर चीज से वो जुड़े हुए हैं। अभी बीना कुमारी मेरे सामने खड़ी हैं, वो उनसे हम लोग को भविष्य दिख रहा है और अच्छा स्वस्थ बनाने वाली है पटना। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत, मैं हूँ आपके साथ शर्मिला चौहान। आज हम यहाँ डांडिया प्रोग्राम चल रहा है, आप देख सकते हैं प्रबुद्ध महिला समिति कदम कुआ द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और ऐसे में आप सभी जानते हैं कि नवरात्र का जो महापर्व है सनातन धर्म का, वो आ रहा है, और नवरात्र में डांडिया ना हो ऐसा भला हो सकता है क्या? और एक तरफ जहाँ नवरात्र चल रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर नगर निकाय चुनाव होने वाला है, और इसको ले दोनों की जो तैयारियां हैं बहुत जोरों शोरों से चल रही हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से डांडिया कार्यक्रम चल रहा है, तमाम जो महिलाएं हैं वो इस कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं। और आज हम यहीं पहुंचे हुए हैं, यहाँ हम इस खास डांडिया प्रोग्राम में पहुँचे हैं, और आज हम इन महिलाओं से जानना चाहेंगे कि वो क्या चाहती हैं कि पटना का विकास किस तरह से हो, वो क्या चाहती हैं कि किस तरह से पटना को वो आने वाले दिनों में देखना चाहती हैं। तो चलिए आज ये जो महिलाएं हैं उनसे हम बातचीत करेंगे, क्योंकि इस बार का जो नगर निकाय चुनाव हो रहा है तो महिला आरक्षित सीट भी है, तो तमाम महिलाओं से बात करना चाहेंगे। सबसे पहले हम आपसे बात करना चाहेंगे, क्या चाहती हैं कि आपका जो पटना है वो नगर निकाय चुनाव होने वाला है, तो इस बार की जो मेयर हो वो कैसी होनी चाहिए, क्या उम्मीदें हैं आप? बहुत अच्छी होनी चाहिए और बीना देवी को जिताना चाहिए, और क्या, इसी में हम लोग को खुशी। बीना कुमारी जो हैं वो इस बार मेयर प्रत्याशी के रूप में खड़ी हैं, क्या चाहती है वीरा कुमारी जीते? जी, बीना कुमारी जीते। क्यों चाहती है वीरा कुमारी को आप? वो बहुत समाज सेविका हैं, बहुत उनके हस्बैंड भी बहुत दिन से समाज सेवी हैं। हाँ, बहुत दिन से, बहुत जमीन से, हर चीज़ से वो जुड़े हुए हैं, इसलिए वो महिला के रूप में इस बार आई हैं, उनकी पत्नी हैं। हम लोग चाहते हैं इस बार बीना कुमारी आए और हमारे देश को उज्जवल भविष्य बनाए, हमारी समाज की इसमें महिला। चलिए, आप उनकी पति की बात करें तो दोनों समाज सेवी हैं, डॉक्टर अजय प्रकाश और वीणा कुमारी। ऐसे में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, महिला प्रत्याशी हैं जो चुनावी मैदान में उतरी हैं, क्या चाहती हैं कि जो मेयर हो वो कैसी होनी चाहिए? मेयर मैं कोमल बंडवा, मैं उनसे मतलब क्या बोलूँ, वो वीणा जी हैं, एक पढ़ी लिखी शिक्षित लेडीज हैं और वो खड़ी उतरी हैं मेयर के रूप में, तो मैं उनसे क्या बोलूं, वो बहुत, उनके हस्बैंड जो हैं बहुत सालों से समाज सेविका हैं, अब बहुत एकुप्रेशर के वो अध्यक्ष, पूरे बिहार झारखंड के अध्यक्ष भी हैं, और बीना जी को जो खड़े हम लोग करवाए हैं तो बीना जी का क्वालिटी देखकर और पटना का भविष्य बीना जी के हाथ में है और बहुत अच्छा से स्वर्ग बनाएगी, क्योंकि पहले भी बहुत पटना में गंदगी कहीं कहीं बसा हुआ है, कहीं कहीं पानी जमा हुआ है, बहुत तरह की बात है जो हमारे पटना में क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो बीना जी से अभी इस बार खड़ी हो रही हैं, तो हमारी बहनें, हमारे भाइयों, सभी लोग को उम्मीद जाग रहा है कि कोई महिला खड़ी हुई, पहले भी महिला खड़ी हुई है, ऐसी बात नहीं है, तो वो क्या की आप लोग के सामने हैं, अभी बीना कुमारी मेरे सामने खड़ी हैं, वो उनसे हम लोग को भविष्य दिख रहा है और अच्छा स्वस्थ बनाने वाली हैं पटना। ये उनसे मतलब एक उनका एक अंदर से है जो क्वालिटी झलकता है कि वो कर सकती हैं। चलिए, वो कर सकती हैं, और भी बहुत सारी महिलाएं हैं, सब महिलाओं से एक एक कर बात करेंगे। जी, आप क्या चाहती हैं, जो मेयर प्रत्याशी हैं, बहुत सारी प्रत्याशी हैं चुनावी मैदान में इस बार उतरी हैं, स्वच्छ पटना, सुंदर पटना का जो ख्वाब है आपने भी देखा होगा, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं शीतलकांत, एक तो हमारे हम लोगों के पटना में विकास जो हुआ है वो बिल्कुल भी सराहनीय नहीं है। अगर हम लोग को बेहतर पटना चाहिए, स्वच्छ पटना चाहिए, स्वस्थ पटना चाहिए, तो हमें अपने लोगों से जुड़े हुए मेयर को लाना ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारी बातों को समझ सकते हैं। आपको क्यों लगता है कि वीरा कुमारी आपकी बातों को समझेंगी और जैसा आप चाहती हैं पटना वैसा ही पटना वो बनाएंगी? नहीं नहीं, क्योंकि हमने वीना कुमारी को करीब से देखा और वे मतलब बहुत ही अच्छी महिला हैं, और साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि शिक्षित है, और शिक्षित लोगों को समझ में आता है कि कहाँ पे क्या विकास होना चाहिए, और इसके लिए वीना कुमारी ही सबसे सही हैं।
बीना कुमारी सबसे सही है। आपको क्या लगता है कि इस बार का जो चुनाव है वो किसे जीतना चाहिए? बिल्कुल 100% बीना कुमारी जी को। क्यों बीना कुमारी? क्योंकि बीना कुमारी सबसे पहले तो हम लोग एक घरेलू महिला हैं और उसके बाद एक समाज सेवी हैं, और थर्ड पॉइंट ये है कि वो शिक्षित हैं। वो उनका जो है बहुत जगह मतलब पूरे पटना में बहुत जगह समाज सेवक में जा चुकी हैं वो, और जहाँ तक हम समझते हैं कि वो एक महिला होने के नाते वो जितनी भी महिलाएं हैं, जैसे महिला को अगर रोड पे चलती हैं तो उनको शौच की व्यवस्था कराना या रोड साफ़ सुथरा होना, कहीं आने जाने के लिए पब्लिकली कहीं ध्यान देना, तो वो हम लोगों का एक प्रोग्रामिंग सोच है कि वो ये करके हम लोग को एक एक करके टारगेट को पूरा करना है। ठीक, और मतलब हर तरह से महिलाओं के लिए व्यवस्था करना, तो साथ में पुरुषों की भी व्यवस्था होगी। तो बीना कुमारी जी एक बहुत ही सुदृढ़, असक्षम और देखा जाए तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से बीना कुमारी जी सक्षम है कि वो मेयर के रूप में एक सही महिला साबित होगी। बीना कुमारी को यहाँ बहुत सारे वोट मिल रहे हैं, जनता ही है और यही जनता इस बार तय करने वाली है कि कौन बनेगा पटना का मेयर। जी हाँ, और इसीलिए हम ओपिनियन पोल कर रहे हैं और इसीलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं जितनी भी महिलाओं की भीड़ है, क्योंकि इस बार महिला सीट है तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि महिलाओं की पसंद क्या है। महिलाओं की भी जो उम्मीदें हैं वो बहुत ज़्यादा रहती हैं, पटना कैसा हो वो चाहती हैं। चलिए इनसे जानते हैं, आप क्या चाहती हैं, कैसा पटना हो? अभी मेयर, अभी नगर निकाय का चुनाव होने वाला है, नई मेयर बनने वाली हैं, किसको चाहती हैं वोट, किसको देना चाहती हैं? बीना कुमारी को। बीना कुमारी क्यों देना चाहती है बीना कुमारी? क्योंकि वो एक शिक्षित महिला है, उसके हस्बैंड एक्वा प्रेशर के हैं और बहुत सारा विकास चाहते हैं, और हम लोग को उम्मीद है कि हम लोग को जिस समाज में हैं अपने समाज की भी उन्नति भी हो, मेयर के अपने अधिका वार्ड का भी उन्नति हो। चलिए, आप क्या चाहती हैं, आपका पटना कैसा हो? पटना तो आगे बढ़े ही, साथ साथ हम लेडीज लोग का भी आगे बढ़ने का बहुत उनसे, बीना देवी से अपेक्षा है, तो हम लोग चाह रहे हैं कि उनको वोट दे और वो हम लोगों का जो कमी है उनको बढ़ने में सहायता करें। क्या कमी है? अभी बहुत सारी ऐसी परेशानियां हैं, समस्याएं, क्या समस्याएं हैं जो महिला के तौर पर आप झेलती हैं जब आप बाहर निकलती हैं? तो शाम होने के बाद हमको जल्दी से घर पहुंचना रहता है, क्योंकि हम अकेली लेडीज़ हैं, हमको घर, हम अकेले सफ़र नहीं कर सकते, अकेले जा नहीं सकते, आजकल की लड़की की तरह हम लोग उतना आगे बढ़ने में नहीं कर सकते, तो हम बीना देवी से ये अपेक्षा करेंगे कि हम शाम होने के बाद लेडीज़ अकेली अगर लेट भी हो गया है तो घर टाइम से पहुँच सके, ऐसा सुरक्षा हम लोग को मिले। बीना देवी से बहुत उम्मीदें हैं यहाँ के लोगों को, और यही जानने के लिए हम यहाँ आए हैं, आपको क्या उम्मीद है, वोट किसको देना चाहती हैं इस बार? मैं बीना कुमारी को देना चाहती हूँ। बीना कुमारी इस बार खड़ी हुई हैं और उनसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। पटना में बहुत सारे जगह हैं जहाँ जाम लगती है, जाम की प्रक्रिया इतना मतलब घोर है, जैसे कि अभी जीएम रोड में तो बहुत ही काफ़ी रहता है, मतलब 5 मिनट का रास्ता है और हम लोग को आधा घंटा 1 घंटा वेट करना पड़ जाता है, कभी कभी इस तरह की समस्या झेलना पड़ता है, पैदल चलना मुश्किल हो जाता है, और भी बहुत सारी समस्याएँ हैं, गंदगी हो जाती है, बारिश होती है, तो ये सब का समस्या। आपको लगता है कि ये सारी समस्याओं को बीना कुमारी ठीक करेगी? एकदम करेंगी, जरूर करेंगी। उनके हस्बैंड हैं, पहले से समाज सेवी हैं, बहुत मन से तन मन और धन जो होता है सारी प्रक्रिया उन्होंने समाज को दिया है, और बीना कुमारी पढ़ी लिखी हैं, शिक्षित हैं और इस चीज़ को बखूबी समझती हैं, पहले भी बहुत कुछ किन्हीं को ज़रूरतमंद लोगों को उन्होंने मदद किया है, जिसके कारण से उनकी मन में जो है ये समाज सेवी बनने का इच्छा पर पहले से ही प्रबल है, और जब वो जीत के आएंगी तो उनके उत्साह और दुगुना हो जाएगा, और इस तरह से हम लोग को भी हतोत्साहित नहीं करेंगी, हम लोग को विश्वास पर वो खड़ी उतरे, यही हम लोग उम्मीद बनाए हुए हैं। बिल्कुल, बीना कुमारी सबके विश्वास पर खड़ी उतरे, और क्योंकि हम ओपिनियन पोल कर रहे हैं, जनता की राय ले रहे हैं, महिलाओं की राय ले रहे हैं, यहाँ पर हम चाहेंगे कि इस बार निकाय चुनाव होने वाला है, पटना में बहुत सारी ऐसी परेशानियां हैं, आपको क्या लगता है कि इस बार आप किसको वोट देना चाहती हैं? अच्छा, पटना में बहुत सारी समस्याएं हैं चाची, कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिसको आप रोज़ देखती हैं और बहुत परेशान हो जाती हैं? कोई ऐसी समस्या? नहीं, अभी तो नहीं समस्या है। कोई ऐसी समस्या नहीं है, जैसे सड़क पर पानी का जमना, कचरा, कोई ऐसी समस्या है? सड़क पर कहीं टूटा फूटा है ना, वहाँ पर है, थोड़ा बहुत रोड सब खराब है। रोड खराब है, बारिश
बारिश के मौसम में आपको कोई परेशानी नहीं होती? इस बार तो उतना नहीं लगता, इस बार ठीक है। इस बार ठीक है, हाँ। और कौन सी समस्या? कहीं टूटा हुआ है ना, वो सब वो जो नहीं अथी जो हुआ है, नल सब जो लगा है, इसीलिए थोड़ा बहुत कहीं कहीं दिक्कत है, और सब ठीक है। पहले ये जो परेशानी होती है, इससे आपको छुटकारा पाना है, मतलब चाहती हैं कि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए? हाँ, चाहते हैं जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। इस बार नगर निकाय चुनाव आ रहा है, आपके जो मेयर हैं वो इस बार चुनी जाएंगी फिर से नए रूप से, तो क्या लगता है कि इस बार की जो मेयर हों वो कैसी हों? देखिए, हम लोग को तो लगता है कि इस बार अच्छा हो, जो सब चीज़ अच्छा हो जाए, वही ना, सब कुछ अच्छा हो। हाँ, ऐसी मेयर चाहिए, पढ़ी लिखी मेयर चाहिए जो समाज का सेवा करती हो। पढ़ी लिखी चाहिए जो सेवा करे, जो सेवा करे, हाँ। ऐसी मेयर चाहिए, हाँ हाँ चाहिए, तो ऐसी मेयर चाहिए। और ये बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनकी जिनकी ख्वाहिश है, चलिए इनसे भी जानते हैं। अभी नगर निकाय का चुनाव होने वाला है, आप डांडिया कार्यक्रम में शिरकत करने आई हैं, बरसात का मौसम है, आपसे ये जानना चाहेंगे कि पटना में जब आप बाहर निकलती हैं कौन सी ऐसी परेशानी है जिससे आप रोज दो चार होती हैं और चाहती हैं कि आपकी जो मेयर हो वो इस परेशानी को ख़त्म कर दे? वो जो बारिश में पानी जगह जगह जम जाता है, रोड टूटा हुआ है, उसे गाड़ी वगैरह चलने में बच्चे लोग जगह जगह गड्ढे रहते हैं, उसमें डर रहते हैं कि बच्चे लोग गिरे नहीं, वो नाला हुआ वगैरह सेफ से रहे, वो सब तो सुविधा होना ही चाहिए। अच्छा, इस बार एक प्लस पॉइंट है आप लोगों के लिए कि जो मेयर का चुनाव होने वाला है वो जनता करने वाली है, तो क्या चाहती है कि आपकी मेयर कैसी हो? हमारी मेयर अच्छी हो, जो घर गई मतलब जो सड़क वगैरह का अच्छा देखभाल करे, बच्चे लोग सेफ से स्कूल वगैरह जाए, रोड जगह जगह टूटा ना रहे, पब्लिक को बढ़िया रिस्पांस मिले, यही सब तो अच्छी बात है। ऐसी मेयर चाहती जी। तो ये है यहाँ की महिलाओं की राय, आप बताइए आप कैसी मेयर चाहती हैं? निकाय चुनाव होने वाला है, बहुत सारी परेशानी, एक महिला के तौर पर क्या चाहती हैं कि एक इस बार ऐसा है कि महिला सीट दिया गया है तो एक महिला मेयर होगी, तो आप क्या चाहती हैं कि जो मेयर हो वो आप लोगों की परेशानी, कौन कौन सी ऐसी परेशानी है जिसको दूर करें? ऐसी बहुत सारी परेशानियां हैं महिलाओं को, सड़क संबंधी, सड़क में इतनी गंदगी होती है, आते जाते लोगों को कहीं भी कचरा फेंक देते हैं, तो कचरे के लिए अच्छा सा गाड़ी किया जाए, क्योंकि बहुत जगह पे गाड़ियां जाती है, बहुत जगह पे ऐसा है जहां रोड पे ऐसे ही फेंक दिया जाता है, बदबू फैलती है, बीमारियाँ फैलती है। उसके अलावा भी शौचालय, बहुत जगह पे शौचालय होनी चाहिए, जहाँ पर कि पुराना क्षेत्र है, जो एरिया पुराना हो चुका है, जहाँ पे गंदगी ज़्यादा है, चाहे नीचे तबके के लोग रहते हैं वहाँ पे शौचालय की व्यवस्था नहीं है, सड़क से और भी बहुत सारी समस्याएं हैं लेडीज़ के आने जाने का, हर तरह का व्यवस्था उनको करना चाहिए, हर तरह की व्यवस्थाएँ, हर तरह की जो जितनी भी समस्याएँ होती हैं बिल्कुल उन्हें पूरा करना चाहिए। थैंक यू। तो ये कुछ ऐसी परेशानियां हैं जिससे आए दिन जो महिलाएं हैं वो दो चार होती है, बहुत सारी परेशानियां हैं, निकाय चुनाव आने वाला है तो उम्मीदें बढ़ गई हैं ख़ास तौर पर महिलाओं की, कि इस बार जो मेयर हो वो ऐसी हो जो जनता की परेशानियों को समझे, शिक्षित हो, पढ़ी लिखी हो, समाज सेवी हो, और ऐसे में जहाँ हम आए हैं वहाँ महिलाओं की पहली पसंद जो बताया जा रहा है, जो हम देख रहे हैं वो वीरा कुमारी ही हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ महिलाओं का जुटान हुआ है, और ऐसे में आधा से अधिक जो महिलाएं हैं उन्होंने वीरा कुमारी के समर्थन में ही अपनी बात कही है, आप देख सकती हैं। तो इस बार मेयर निकाय चुनाव का वोट मेयर के तौर पर किसको देने वाली? मीना कुमारी को। मीना कुमारी को देने वाली, क्यों देने वाली? बस वो कुछ मौका देना चाह रहे हैं, हमारे मौका देना, हाँ मौका देना चाह रहे, बिल्कुल मौका देना चाह रहे हैं, सबको मौका मिलना चाहिए। कुछ तो देखा होगा कि मौका, बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी हैं जो खड़े हैं, तो ऐसा क्या है उनमें जो आप उनको मौका देना चाहती हैं? जैसे उनके हस्बैंड भी समाज से भी बहुत रहे हैं, तो उनके साथ में वो भी सब जगह जाती हैं, तो उनका भी प्रभाव तो कुछ रहता है ना अपने हस्बैंड का, और जो हर जगह वो भी जाती हैं, समाज सेवी हैं उनके हस्बैंड, तो उनके अनुसार वो भी चलती हैं, समाज की सेवा करने में वो भी तत्पर रहती हैं हर जगह, इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि अच्छा, वो एक पढ़ी लिखी हैं, स्नातक हैं। एक कहावत है कि महिला ही महिला का दर्द समझती हैं, तो आपको क्या लगता है आप लोग की कौन सी ऐसी परेशानी है जो लगता है कि वीरा कुमारी बनेंगी तो समझेंगी आपके दुख?
नहीं उनमें क्या परेशानी, कौन सी ऐसी परेशानी है जो आपको लगता है कि वो बनी तो समझेगी? यहाँ गली गली में, हर गली में वैसे साफ सफाई आपको नहीं मिलेगा, मेन रोड पे तो बहुत मिलते हैं मेरे साथ सब, लेकिन गली गली मोहल्ला में आपको देखिएगा वो चीज़ नहीं मिलता है। तो वो जैसा ये दी है अपना उसमें कि नहीं हम गली मोहल्ला सभी को साफ रखेंगे, ऐसे स्वच्छ पटना बनाएंगे, तो इसमें हमको लगता है कि वो ऐसा करेंगे, इसलिए हम लोग उनका सपोर्ट कर रहे हैं, मौका देना चाहते हैं। चलिए, तो वीणा कुमारी सबकी पसंद बनी हुई हैं, और ऐसे में यहाँ तो कार्यक्रम चल रहा है लेकिन तैयारियाँ भी जोरों शोरों से चल रही है, लगातार जो जनसंपर्क अभियान साधा जा रहा है शायद ये उसी का नतीजा है कि लोग जो हैं वो वीणा कुमारी को अपनी पहली पसंद बता रहे हैं। अब देखना ये है कि जो चुनाव होने वाला है उसमें बहुत सारी ऐसे प्रत्याशी जो लोग हैं उनकी परेशानी है, सबसे अधिक परेशानी सड़कों पर कूड़े का जमना, गंदगी, और ऐसे में क्या वीणा कुमारी अगर बनती हैं, चुनाव जीतती हैं, तो वो इन तमाम महिलाओं के उम्मीदों पर खड़ी उतरती हैं या नहीं? तो इस बार हम ये देखना चाहते थे कि जो महिलाएं हैं उनकी पसंद कौन है, मेयर प्रत्याशी के रूप में, एक मेयर के रूप में वो किसे देखना चाहती हैं, और हमने आपको दिखा दिया कि वो किसे देखना चाहती है। तो फिलहाल इस खास कार्यक्रम में हमें दे इजाज़त और आप देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।